आलोट नगर के विकास में धन की कमी आने नहीं देंगे। अभी 1 करोड़ की राशि से सड़क का भूमि पूजन कर रहे हैं। जल्द ही आने वाले समय में 6.5 करोड़ से नगर की सभी सड़कों का कायाकल्प करेंगे। यह बात सांसद अनिल फिरोजिया ने कायाकल्प योजना के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड तिराहे से मंडी गेट तक बनने वाले सीसी रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच कही। सांसद द्वारा कहा गया है कि हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, अवरोध आते हैं, काफ़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है, तब खुशी होती है। ये खुशी आपके चेहरे पर नजर आ रही है। अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक बंटी जैन द्वारा यह बताया गया है कि इस सड़क की काफी समय से मांग थी। 2010 में जन सहयोग व शासन की मदद से 26 लाख से अधिक की राशि से इसे बनाया गया था। अब इसके बनने से यातायात सुगम होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। जल्द ही पूरे नगर की सड़कों को दुरुस्त करेंगे। कार्यक्रम में देरी से पहुंची क्षेत्रीय कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि नागेश खारोल द्वारा यह कहा गया है कि विकास के कार्यों में हमारा परिषद को पूरा सहयोग है। ये बड़ी सौगात मेरे वार्ड को मिली है जिसकी लंबी समय से मांग थी। भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ चुनाव जीतेगी और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार भी बनेगी और लगभग जितने वोट से मैं लोकसभा से जीता हूँ 50,000 मतों से उतने ही मतों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीते। आलोट शहर के अंदर गड्ढे हो रहे हैं, कायाकल्प के लिए पैसे आए हैं, बारिश में जनता परेशान हो रही है और वही पैसा ऐसी जगह लगाया जा रहा है जहाँ पे अति आवश्यक नहीं है। सरकार की मंशा का अनुरूप मैं आपसे प्रति प्रश्न करना चाहता हूँ। आप भी यहाँ खड़े हैं, पीछे सब लोग रहवासी हैं, यहाँ पे पैसा लगाना उचित नहीं था क्या? ये बरसों से डिमांड थी और कायाकल्प में अभी पैसा आया है। उसके बाद विशेष निधि भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री ने लगभग 2 करोड़ रुपये दी है। कायाकल्प में वापस से 1.5 गुना पैसा और बढ़ा के दिया है। तो मैंने भाषण में भी कहा है कि अब ऐसी आलोट की कोई भी सड़क अछूती नहीं रहेगी जिसको बिल्कुल हम काया उसका काया कल्प नहीं कर दिया जाएगा। बारिश में थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसको भी हम सही कर रहे हैं। धन्यवाद। काफ़ी समय से इस क्षेत्र के रहवासियों द्वारा की जा रही थी, इसके लिए मैंने पहले भी प्रयास किए। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो मैंने तत्काल उस समय अपने प्रयासों से इस रोड का एस्टिमेट वगैरह सब कंप्लीट करवा लिया था। दुर्भाग्यवश सरकार हमारी चली गई, इसलिए उस समय रोड नहीं बन पाया। और इस बार जब कायाकल्प अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ से ऊपर की राशि जब नगरपालिका को मिली तो मैंने पूरी परिषद के सभी साथियों से बात करके इस रोड को बनवाने के लिए कहा। परिषद के सभी साथियों ने मुझे इस बात के लिए समर्थन दिया और इस रोड को का जो है प्रस्ताव पारित किया गया और ये रोड जो है इस क्षेत्र के, इस वार्ड के ही नहीं, आसपास के सभी ग्रामीण अंचलों को भी इस रोड के बनने से फ़ायदा मिलेगा और आसपास के सभी कॉलोनियों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। नगर परिषद के विकास कार्य में आपका भी सहयोग करते रहे? जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, जनता ने हमें विकास के काम करने के लिए वोट दिया है, तो जहाँ विकास की बात होगी निश्चित तौर पर मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करूँगा। जहाँ पे विकास कार्यों की बात हो तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सरसी से पवन ठाकर की रिपोर्ट।